हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा। मनु जलतेन लाइव चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल महाराष्ट्रियन वेज थाली। तो आगे देखते हैं हम कि इस वेज थाली में हमने क्या क्या बनाया है। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आज हम ये महाराष्ट्रियन वेज थाली बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ऐसी ही न्यू और हेल्दी रेसिपी देखने के लिए और महाराष्ट्रियन अलग अलग तरह के रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल मनु जलतेन लाइव को सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और ये थाली पसंद आती है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा और ये रेसिपी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये थाली बना सके और इसका आनंद ले सके। और साइड में जो बेल आइकन होती है सब्सक्रिप्शन के बाजू में, वो भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप अच्छे से देख सके, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए थाली बनाना स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं स्पेशल महाराष्ट्रियन वेज थाली। और प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने इस थाली में क्या क्या बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस थाली को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है अरहर की दाल और एक गिलास राइस। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। महाराष्ट्र में अरहर की दाल ज़्यादा खाई जाती है, हर घर में बनाई जाती है। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद कुकर में कुक करने के लिए रख दिया है। तो अब हम 3 सीटी आने तक इस कुकर को कुक करेंगे। कुकर हमारा कुक हो रहा है तब तक हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो आज मैं इस थाली में सब्ज़ी बना रही हूँ पम्पकिन की, यानी कद्दू की। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और इसमें डालूँगी अब मैं 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर का होने तक इसे हम कुक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा टमाटर बारीक कट किया हुआ, इसे भी हम अच्छे से कुक करेंगे। देखिए मैंने पम्पकिन को अच्छे से वॉश कर लिया है छोटे छोटे टुकड़े में कट करके। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले, थोड़ा सा हींग डाल दिया है मैंने इसमें, थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, रेड चिली पाउडर, अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ पम्पकिन कद्दू, इसे भी हम अच्छे से कुक कर देंगे। और आज हम ये पम्पकिन की सब्ज़ी जो है बिना पानी के कुक करेंगे। इस सब्ज़ी में पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, इसे लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे और बिना पानी के ही पकाएंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी बनती है बिना पानी की। तो देखिए हमारा कुकर भी कुक हो चुका है और सब्ज़ी एक साइड में हो रही है। तो अब हम बाकी की तैयारी करते हैं कुकर को ठंडा होने तक। तो अब हम पूरी के लिए आटा भिगोएंगे। देखिए एक डो रेडी करेंगे इसका, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। तो देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो आज हम इस थाली में बनाने वाले हैं
आलू के पकोड़े। तो इसके लिए अब हम एक मिक्सचर रेडी करेंगे। एक बाउल मैंने बेसन लिया है, आधा कटोरी चावल का आटा, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज बारीक कट किया हुआ, एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हल्दी, आधा छोटा चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स करना है। पानी डाल के एक मिक्सचर रेडी करना है। मैंने आलू को छोटे छोटे स्लाइसेस में, पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है और पानी में भिगो कर रख दिया है। अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, एकदम पतला ही भी नहीं होना चाहिए और एकदम गाढ़ा भी नहीं। जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसके लिए जो मिक्सचर बनाते हैं उसी टाइप का एक मिक्सचर हमें रेडी करना है। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। तो देखिए हमारा आटा भी सेट हो चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम पूरी के लिए एक बड़ी सी रोटी बेल देंगे। पूरी फटाफट से करने की एक ट्रिक है कि आप एक एक पूरी अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से एक बड़ी सी चपाती बेलनी है और आपके यहाँ कोई भी जो छोटी कटोरी होती है, अपने यहाँ होती है, उस कटोरी से कट कर लेना है, जिससे कि एक बार में ही आपकी 3 से 4 पूरी बन करके रेडी हो जाती है। वरना एक एक पूरी करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस ट्रिक से आप अगर थाली बनाएंगे तो फटाफट से थाली बन करके रेडी हो जाती है। तो आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से मैं चपाती बेल रही हूँ और इस चपाती को गोल होना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कैसे भी बेल सकते हैं, क्योंकि इसे कट ही करना है। तो देखिए इस तरह से चपाती मैंने बेल दी है और मेरे पास इस तरह की कटोरी है। ये थोड़ी बड़े साइज़ की है, इसीलिए दो ही पूरी कट हो रही है। अगर आपके पास थोड़ी मीडियम साइज़ की कटोरी हो तो एक बार में 3 से 4 पूरी रेडी हो जाती है। देखिए इस तरह से कट कर दिया है। इससे क्या होगा कि पूरी भी फटाफट से रेडी हो जाएगी और पूरी का जो शेप है वो एकदम परफेक्ट आएगा, गोल आएगा। तो देखिए इसी तरह से सभी पूरियाँ रेडी कर लीजिए। देखिए रेडी हो भी गई है और तेल भी गर्म हो चुका है हमारा। देखिए हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है बिना पानी की, एकदम सॉफ्ट। तो ढककर रखेंगे और एक साइड में अब हम हमारी पूरियों को तल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इस पूरी को हमें तलना है। देखिए इस तरह से देखिए कि तेल गर्म हो चुका है कि नहीं। तो पूरी को ब्राउन कलर का होने तक तल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं पूरियां तल रही हूँ। देखिए हमारी पूरी तल करके रेडी हो चुकी है। तो सभी पूरियां इसी तरह से तल लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हमारी पूरियां तलकर रेडी हो चुके हैं और मैंने आलू के पकोड़े के लिए
इस तरह से आलू के पतले साइजेस कट कर लिए हैं। अब हम आलू के पकोड़े तैयार करेंगे। इसके लिए ये मिक्सचर में मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच गरम तेल। इससे क्या होगा कि हमारे आलू के जो पकोड़े हैं एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये स्लाइसेस जो मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिए हैं, पतले पतले स्लाइसेस कट करना है। ये जो है स्लाइसेस अब हम डाल देंगे इस मिक्सचर में, देखिए इस तरह से, और अच्छे से देखिए इस घोल में मिला देंगे और तेल में तल लेंगे। देखिए इस तरह से। अगर आप ये मिक्सचर रेडी रखेंगे ये जो पकोड़े का, तो पूरी तलने के बाद उसी गर्म तेल में आप ये पकोड़े तल कर रेडी कर सकते हैं, यानी फटाफट से हमारी थाली इस स्टिक से रेडी हो जाएगी। तो अगर आप एक बार में पूरी करेंगे, बाद में मिक्सचर करेंगे, बाद में पकोड़े करेंगे, तो इससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसीलिए मिक्सचर पहले ही रेडी रखना है और पूरी तलने के बाद तुरंत अब पकोड़े तलना है उसी गर्म तेल में। इससे क्या होगा कि गैस की भी बचत होगी और आपकी टाइम की भी। और अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इस चीज़ से फटाफट से थाली बनाकर रेडी कर सकते हैं। 5 से 6 लोगों के लिए फटाफट से इस तरह से थाली बनकर रेडी हो जाती है फ्रेंड। तो इसी तरह से मैं ये पकोड़े रेडी कर रही हूँ। ये ब्राउन कलर का होने तक हमें तल लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे पकोड़े एकदम रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ब्राउन कलर का। तो सभी पकोड़े हम इसी तरह से तल कर रेडी कर लेंगे। देखिए पकोड़े तल कर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे सूजी का हलवा। तो इसके लिए एक पैन में मैंने डाल दिया एक छोटा चम्मच घी और यहाँ पर मैंने डाल दी सूजी, और इसे हम सूजी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा सूजी का जो कच्चापन है जाने के लिए और ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। गैस की फ्लेम कम रखनी है। तो देखिए हमारा जो सूजी है भून कर रेडी हो चुका है। अब हम कर देंगे गैस को बंद। देखिए अब हम एक पैन में डाल देंगे एक गिलास पानी और एक कटोरी मैंने यहाँ पर सूजी ली थी, तो उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी यहाँ पर शक्कर डाल दी है और पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स के थोड़े से टुकड़े और किशमिश, इलायची पाउडर, ये सब डाल के मिक्स करेंगे और ये भुनी हुई हमारी सूजी जो है उसमें डाल के अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। और लो फ्लेम पे हम सूजी को अच्छे से कुक करेंगे। देखिए सूजी का हलवा भी इसी तरीके से बनाइए, फटाफट से रेडी हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे पका लेंगे। इसे कुक होने में कम से कम 5 से 7-8 मिनट लग जाएंगे। ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। देखिए गाढ़ा हो गया है अच्छे से। और एक बार इसे चलाएंगे चम्मच से। तो देखिए एक पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। अब हम कर देंगे, देखिए राइस भी हो चुका है, हमारी अरहर की दाल जो है ये वो भी कुक हो चुकी है। तो अरहर की दाल को अब हम लगाएंगे तड़का। तो उसके लिए एक पैन में मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, हरी मिर्च कुटा हुआ, लहसुन, जीरा, राई, ये सब डाल के हम अच्छे से भून लेंगे लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होने तक।
अब हम ये जो हमारी पकी हुई दाल है अरहर की, ये डाल के अच्छी से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और इसे बॉईल आने तक कुक करेंगे। थोड़ी सी हल्दी और नमक भी डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, अच्छे से मिक्स कर लेना है और उबाल आने तक इसे कुक करना है। तो देखिए हमारा हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। थोड़ा सा चम्मच से इसे चलाएंगे, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। देखिए हमारा हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम कर देंगे गैस को बंद और हमारी दाल को भी उबाल आ चुका है, इसे भी हम बंद कर देंगे। ये भी रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे दही की कढ़ी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा दही लिया है और एक छोटा चम्मच बेसन डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी और आधा छोटा चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी गांठे बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो ये मिक्सर में भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। तो इसके लिए एक पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, जीरा, राई, हरी मिर्च और कूटा हुआ लहसुन, ये सब डाल के अच्छे से भून लेंगे। और ये जो हमारा बेसन और दही का जो ये मिक्सचर है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा पतला बना दिया है। ये हम इस पैन में डाल देंगे, थोड़ा सा और पानी डालेंगे। आपको ये कढ़ी कितनी पतली चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी डालिए। इसे मिक्स कर लेना है और इसे भी उबाल आने तक कुक करना है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा जो हमारी जो थाली है बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है। देखिए सब रेडी हो चुका है। तो चलिए गर्मा गर्म थाली सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्व करते हैं अरहर की दाल। अब हम सर्व करेंगे पम्पकिन की सब्जी, कद्दू की सब्जी। अब हम सर्व करेंगे राइस। इसके ऊपर हम थोड़ी सी दाल डाल देंगे। सफ़ेद चावल पे ये पीली पीली दाल दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखती है फ्रेंड्स। इस तरह से अगर आप थाली सर्व करेंगे तो पेट भरेगा पर मन नहीं भरेगा, क्योंकि दिखने में जो चीज़ अच्छी लगती है खाने में उतना ही उसका मज़ा आता है। अब हम पूरी सर्व करेंगे।
सूजी का हलवा और आलू के पकोड़े। ये थाली बनाने में मुझे 45 मिनट्स लगे फ्रेंड्स। एक घंटे के अंदर अंदर ही अपनी ये थाली बन करके रेडी हो चुकी है। तो अगर आप भी इस ट्रिक से बनाएंगे तो फटाफट से थाली बनकर रेडी हो जाती है। देखिए अपनी थाली बिल्कुल भी रेडी है, महाराष्ट्रियन वेज थाली। अगर आपको ये थाली पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। तो टाइम निकाल कर मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल मनुज हेल्थ एंड लाइफ। बाय बाय।